इस तरीके से अगर आपका गोलगप्पा फूट जाए तो उसमें ये छोला खूब भरे ताकि अंदर का छेद बंद हो जाए। गया यहाँ जहाँ खाते वही गंद कैसे मचाते इसी चैनल में देखे। रात के 12 बज गए थे बट किचन मैंने कर दिया है अपना क्लीन, डीप क्लीनिंग नहीं की है, 2 मिनट वाली क्लीनिंग कर दी है ताकि मम्मी को सुबह में प्रॉब्लम नहीं हो काम करने में। और उसके बाद ये मैंने छोले भिगोए थे, छोले इसलिए ताकि मुझे कल बनाने हैं छोले, मैं बनाऊंगी तो इसलिए मैंने भिगो के रख दिए थे। और ये रहा मेरा क्लिनज़र। आपको पता है क्या हो रहा है मेरे साथ, ये शायद मेरा दूसरा या तीसरा पैक होगा क्लिनज़र का, जब ना ये मुझसे दूसरे तीसरे दिन ही गिर जा रहा है। और गिरने के बाद ना इसके ऊपर में ना नेक के पास जो एक डॉट बना रहता है, होल बना रहता है जहाँ से निकलता है क्लिनजर हमारा, वो टूट जाता है। वो टूटता है ऐसे है कि कैप के अंदर जो टक से बंद होने वाला रहता है वो उसके अंदर घुस जाता है और फिर वो निकलता नहीं है, और उल्टा रखो तो चारों तरफ मैस होता रहता है। तो ये ना ये वाला प्रोसेस मैंने ढूंढा है कि किसी चीज़ में इसको खड़ा करके रखूँगी ताकि ये गिरेगा नहीं, और नेक्स्ट टाइम से बहुत ध्यान रखूँगी कि मेरा क्लिनजर ना टूटे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए अभी भी पैकेट पे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं चल रही हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है कलरफुल पैकेट देख के। मम्मी के लिए काढ़ा गर्म किया था और उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया, बिकॉज सार्थ को देने के काम आएगा अभी या फिर हम लोग भी थोड़ा सा हल्दी दूध लेंगे, तो दूध मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। अच्छे से गर्म करूँगी, थोड़ा सा दही भी जमाना है तो उसके लिए भी मैंने दूध चढ़ा दिया है, तो सब इतने में निपट जाएगा मेरा। उसके बाद चलती हूँ अब कमरे में, सार्थ उधर से आवाज़ें दे रहा था मम्मा आओ ना क्राफ्ट, वो लोग कुछ क्राफ्ट बना रहे हैं छोटी, और वो तो मुझे इसलिए आवाज़ें दे रहा था। और ये कुकर में मैंने प्याज भी गला के रखी है। अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा बना है ये सार्थ और मम्मी बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे थे। ये देखो ये सार्थ और मम्मी ये सार्थ जिस शीट पे लिख लेता उस शीट का, वाह रे वाह, ये देख वाह, आगे आगे बनाता है बुक वाला, पीछे बनाता है अपने मन से, उसके बाद मम्मी काट के क्राफ्ट बनाती है। वाह ये देख, वो तो एकदम क्राउन है, लग रहा है। ये देखो क्राउन है, ये तुमको पता है क्राउन है, ये देखो ला पहना दे, ला तुमको पहना दे, हाँ ला तुम्हें पहना दे, मेरे पास है सार्थ। कितना माछू बनाई, कितना बेटू मेला बनाया, बाबू का मोर क्लैपिंग कोई नहीं कर दिया, क्लैपिंग 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 स्टॉप। शाम के लगभग 5 बजे मैं और छोटी जा रहे थे गोलगप्पा खरीदने। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है 30th January और आज मैंने अपना फर्स्ट लाइव किया है यूट्यूब पे, जिसमें मुझे बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने। आई होप आप सबने भी इंजॉय किया होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि नेक्स्ट संडे फिर से ये लाइव हो सके, यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टा पे हो, बट ये लाइव हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अजीब सी कनेक्टिविटी फील हो रही थी लोगों से, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये आ गए थे हम लोग गोलगप्पा वाले स्टॉल पे, यही है हमारे शहर का हमारा फेवरेट स्टॉल है जहाँ से हम गोलगप्पा खरीदते हैं हमेशा। तो इन भैया को हमने बोल दिया भैया पैक करिए, तब तक हम लोग आते हैं उधर से, तो ये पहचानते हैं हम लोगों को, तो इनको पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पैक वैक करके रख देते हैं, जब हम लोग लेकर जाते हैं तब पैसे दे के चले जाते हैं। उसके बाद छोटी को कुछ कुछ सामान लेना था तो हम अंदर चले गए थे मार्केट में वो सब लेने के लिए, बट उसके पहले फिर ध्यान आया कि माई वो तो नहीं खाती गोलगप्पा, तो चलो उसके लिए समोसे ले लेते हैं। तो हम चले गए थे उसके लिए समोसे लेने के लिए, तो हमने समोसा लिया और समोसा की दुकान पे इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। बट समोसा वाले भैया भी हम लोगों को पहचानते हैं, बिकॉज उनके यहाँ से भी हम लोग, मतलब पूरे शहर में हम लोग इन्हीं के यहाँ से समोसा लेते हैं, अगर नहीं रहेगा इनके यहाँ तो हम लोग कहीं और से नहीं लेते। इसकी सबसे बड़ी बात यह है ना, मतलब इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इनका जो समोसा होता है वो स्पाइसी नहीं होता है, और यही एक चीज़ जो हमें चाहिए होता है समोसा में, तो इसलिए हम लोग यहीं से समोसा लेते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स हैं हमारे शहर में जहाँ पर अच्छे अच्छे समोसे मिलते हैं, बट हमें इन्हीं के पसंद है। इसके बाद हमने लिया था हमारा गोलगप्पा और आ गए थे हम अब वापस घर। देखिए शाम में कैसे कोहरा सा हो रहा है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज मैंने किया है मेरा फर्स्ट लाइव, जिसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों से बहुत आमने सामने बात की है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी मैंने कहा भी था कि इसके बाद हम लोग जाएंगे गोलगप्पा लेने के लिए, तो अभी हम लोग गोलगप्पा लेकर आए, अब हम जा रहे गोलगप्पा खाने। बहुत गोलगप्पा खाने का मन कर रहा था, ठंडी बढ़ गई थी तो हम जा नहीं पा रहे थे गोलगप्पा लेने, और सब बंद भी था यहाँ पे बहुत कुछ। फाइनली हम गोलगप्पा लेकर आए हैं और जा रहे हैं अभी खाने के लिए गोलगप्पा और समोसा भी, क्या ही मेरा टमी कम होगा।
ऐसे खाएगा गुलगप्पा। कैसा था मामा? इतना पानी निकला, एक ग्लास एक कटोरा, एक तरफ कचरा बटोरो, एक तरफ कचरा बटोरो। और प्यार से रखो इसे, प्लेट भी लेकर। माई ये सार्थ का है। माई तुम क्या खाएगी? सूखा वाला कैसे? ना कुछ ना। एगो? अच्छा, माती को बच गया। एक खा लो, एक चख लो। क्यों? एक चख लो ना, बस चख लो, बस चख लो। ऐसे कैसे? ये कितनी बदतमीजी कहती है माई, छोड़ तुम बची हट एकदम। तुम किसी गपा गप खाई जा रही, बनाने देगी कि नहीं बनाने देगी? रुक बदतमीज लड़की। मम्मी स्वेटर रखो, तुम सूखा खाएगी, तुम पानी खाएगी। अब हमको खिलाने दो मम्मी को, गपा गप बीच में से गायब मत कर देना। मम्मी बहुत है यार, भाग नहीं, बहुत ही मत कमाई बजेगा। हम कभी अपन का सूखा तो हमने जल्दी बोलते हैं जब कान से हम देख लेते हैं ना कि मामा जी लोग का फोन है, तभी कान से देख लेती हूँ। ये कान से देखती है किसका फोन आ रहा, मुंह से सुनती है कौन क्या बोल रहा है। अरे यार थोड़ा सिस्टम हिला हुआ है क्या? मतलब ना तार जो है ना वो कहीं से छूट के कहीं गिर गया, कहीं का कहीं जुट गया है। आंख से कभी कभी सुनाई देने लगता है और कान से दिखाई देने लगता है, मतलब वो थोड़ा सा वायरिंग गड़बड़ हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा वायरिंग गड़बड़ आ गया, फिर ठीक हो जाएगा। मम्मी के प्रोडक्ट, मम्मी के फैक्ट्री में गलत प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया। तुम सही मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग गड़बड़ था मम्मी। नहीं एकदम ठीक है, थोड़ा आप गड़बड़ा गए। पहले मम्मी टेस्ट नहीं की थी, तब जमानत नहीं था, फंक्शनिंग सही है, तब टेस्टिंग का जमाने थे, तो मम्मी इतना डिफेक्टेड तो नहीं लाती दुनिया में। पूरे डिफेक्टेड माल भाई, ऐसे भरते गोलगप्पा, पता है सिर्फ बिहार के ही गोलगप्पा में ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, ये मटर, हाँ आलू मटर का छोला। बिहार से बाहर गोलगप्पा में छोला नहीं मिलता है, तो बिहारी लोग बाहर गोलगप्पा खाते तो उनको बहुत बिहार गोलगप्पा याद आता है। पानी, खाली पानी, पूरी में पानी। हाँ आज जानते हो कितना गोलगप्पा रहे, कितना रहेगा अगर मुश्किल से ना, इतना बस, अगर कहीं गलती से मिल गया तो इतना सा रहेगा। इतना तो वो बनाता ही एक कटोरी, जैसे यहाँ इतना बड़ा कठोता में बनाता है, उसका एक कटोरी ही रहता है और खाली पानी रहता है। तो इसलिए बिहार के गोलगप्पा का कोई जवाब नहीं। हमने चार राज्यों का गोलगप्पा खाया है, तीन का, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कलकत्ता। बंगाल का तो हमने खाना भाई, बंगाल और गोलगप्पा मतलब खा ही नहीं। अच्छा मम्मी का वही मिलता है पुचका मम्मी। अब जैसे मैं उम्र का आदमी खाता है वैसे गोलगप्पा भी हर उम्र का आदमी खाता है, बुड्ढा भी कटोर लेके खड़ा रहता है, लड़का भी। गोलगप्पा लड़की लोग ज्यादा खाती है, खट्टा पानी। ये लड़की बोलती कि बट घट जाएगा इसीलिए कोई नहीं खाया। नहीं हम मम्मी नहीं है। चलो आधा तो करो, अभी आधा कभी करूंगी मैं, दो तीन हट सारा खा जाएगी मेरा। अभी रोटी दो तो सूखा नहीं जाएगा इससे। तीन तीन छह सात आठ नौ दस, ये दस मेरा है। ग्यारह बारह अपना देखो जरा, दो तीन तीन छह तीन नौ तीन बार, अभी दो एक्स्ट्रा है, चौदह तेरह। ये लो खाओ अब अपना गोलगप्पा, अपने हाथ से बनाओ अपना खाओ। हर बार हर बार हो गया, अरे बदतमीज लड़की, मैं गोलगप्पा खराब कर दी तुम को नहीं। इसमें हम स्टफिंग ज्यादा भरेंगे ताकि नीचे का छेद बंद, देखिए इस तरीके से अगर आपको गोलगप्पा फूट जाए तो उसमें ये छोला खूब भरे ताकि अंदर का छेद बंद। बदतमीज मेला उधर, सारा मेरा छोला खा गई। अभी हम जरा कैमरा और चम्मच का पोजीशन ठीक कर, तब तक ही मेरा सारा खा गई। खाना कौन खाएगा रात में? वो
कोई मैसेज किया जाए तो कहो अभी नहीं ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू यू, आप रुक जाइए अभी अभी जब तक वेट नहीं करा रहे हैं तब तक तो कुछ भी खा सकते हैं, वेट कराने के बाद तो भैया मुझे पता है ईमानदारी बता रहे हैं, आज ही सोच के रखे थे वेट कराने का, क्या बताएं यार। जिस घर में एक को वेट गेन करना दूसरे को लॉस, माना गेन होना ना भी लॉस, ये बात भी ठीक है यार, ये हमेशा इसी फोकस में रहती है क्या मतलब कि क्या चाट नहीं चटपटा बाहर का क्या खाया जाए, और यार मेरा यहाँ रहेगा तो नहीं कम होगा, कमर मेरा कमरा हो जाना है। हाँ सही बात है भाई, दिल्ली में फिट थे यहाँ सुबह से शाम तक जितना खाते थे उससे ज्यादा चल चल के पच जाता था। टंकी हो गया मेरा तो फुल, अब चाहिए चाय, चाय बनाएगी छोटी आज। बाप इसी मुंह देख लो अपना, वो तो बहुत सुंदर है, सब कह रहे थे उन लोग का क्या जा रहा है, उन लोग को थोड़ी जलना तो बस हम हमसे पूछो, एक घंटा तैयार होकर गई थी एक घंटा। अरे यार क्या झूठ बोलती था यार। हाँ तो अभी मैं क्या कह रही थी, या हम लोग यहाँ हम लोग गुलगप्पा खा रहे थे और गुलगप्पा खा के उठते उठते तक एक बूंद कुछ नहीं गिरा था, एकदम सफाई से हम लोगों ने गुलगप्पा खाया है, और जैसे मैं प्लेट लेके उठी हूँ वैसे क्या हुआ है, गंदे लैंग्वेज में नहीं प्यार से जरा डिस्क्राइब करो क्या हुआ है, और वो सारा जो गंदा पानी था वो सब गिर गया यहाँ खाते वही गंद कैसे मचाते इसी चैनल में देखे वो मेरे से गिर गया जब गंदा हो गई, ये लड़की यहाँ पे अपना बेड फैलाने को तैयार थी कि यही पर मैं सोऊंगी, कह रही कटिया में आग लगा दे, चाय चाय लो चाय बना के ला दिए, कम बड़ी बात है, छोड़ा ऊर्जा बेटू ऊर्जा बेटू। अरे एक मेरे पापा हैं जिनको की साथ 10 मिनट के बाद इतना परेशान करता है कि हर जहाँ 10 मिनट उनके साथ अकेले रहता है वहीं से बुलाने लगता है, ए बाबू की नानी ए बाबू की मम्मी, मम्मी तो कम बुलाते हैं बाबू की नानी को ज्यादा याद करते हैं क्योंकि उनको पता है मम्मी के बस का नहीं है, नानी के बस का है झेलना। अभी गया है पापा के कमरे में तो पापा को परेशान कर रहा है, पापा बुला रहे हैं बाबू की नानी पापा चाहते हैं कि वो शरीफ की तरह उनके पास बैठ जाए, उनसे बात करे, उनका बात सुने, और साथ कहता है कि भाई तुम बैठो और हम तुमको पूरे घूम में चला दूं, मैं चलाते पापा कह रहे नाना की गोदी में बैठो, और वो पता नहीं क्या कर रहा है, ये देखी वो देखो ये देखिए मेरा उनका पेशेंस जवाब दे दिया सबको बुला रहा है आओ नहीं दे रहा आओ जल्दी आओ कर रहा है बदमाशी मासी चलो चलो देखे जरा क्या हो रहा है, चलो चलो देखे जरा क्या हो रहा है, मासू भी तैयार है देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है रजाई फसुत बोले माछू देखो मुझे नहीं 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 मारा मारी हो गया, पकड़ 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 मुझे फोन खेलने दो, फोन खेलने दो।
अरे फोन है बेटा, इसी को बोलते हैं बचपन, इसी को बोलते हैं बचपन। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तो पापा सार्थ को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सार्थ अगर सॉक्स नहीं पहनेगा तो पापा सार्थ के नाना नहीं रहेंगे। सार्थ मजे में है कि भाई हमको सॉक्स नहीं पहनना। आप रहिए इसी घर में, रहिए से। लाइट जल रहा है तो वो कभी नहीं भागेगा पापा, नहीं भागेगा। ना लाइट जल रहा है नहीं भागेगा। मजा नहीं निकलेगा। तुम पहनो, लिया अपना। पापा का सॉक्स निकाल रहा है बदले में कि ना वो पहनेंगे और ना बोलेंगे पहनने के लिए। फिलहाल इस कमरे के भीतर छोटा सा भूकंप आया है। हम लोग बाहर से एंजॉय कर रहे हैं उस भूकंप को। अगर आपको आवाज आ रही होगी तो बताइएगा। आ रही है ना? ढूंढ ढूंढ। मम्मी बेचारी मेरी एक स्वेटर शुरू की पापा का, और इसमें ज्ञान देने वाले हम दिए, ज्ञान देने वाले हम थे। ये पैटर्न का ज्ञान हम दिए, इतना तो बढ़िया ज्ञान दिए कि बेचारी से ये स्वेटर बन ही नहीं पा रहा, इतना गंदा हो रहा, इतना टफ। करी हम वैसे है ही। चिपता पैटर्न बता दे, पैटर्न मतलब ये फैल नहीं रहा है, कहने का मतलब ना ये श्रिंक हो जा रहा है, पैटर्न खिंच जा रहा है। मतलब जैसे होता है पैटर्न बनाने पे छोटा थोड़ा फैलता है, तो ये श्रिंक हो जा रहा है, ज्यादा बुनोगे कम दिखेगा टाइप, ये गलत पैटर्न हो गया। और इतना कंफ्यूजिंग है कि जो चश्मा वाले लोग है ना उनको दिक्कत हो सकती है, इसको भी दिक्कत होगा। बउआ और पापा तो अंदर। कौन है बउआ की? बउआ के नाना। ठीक है, मम्मी दे रही होगी दिल से बहुत बड़ा गाली कि भाई ये तो मेरा तो ले डूबी लुटिया डुबा दी, क्योंकि स्वेटर बेचारी से ये नहीं खींच पा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है उसको बनाने में, बहुत मिस्टेक भी हो रहा है क्योंकि चश्मिश है ना। आ गया जीत के, हाय आ गया मेरा शेर, मेरा चीता, पूरा बाल देखो जरा बिखेर बिखेर के, कहाँ से आए बेटा? जंग लड़के आ रहे हो? कौन सा जंग लड़? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? राम पापा लाइट बंद करके सांस को डरा है। लेकिन तुम तो जंग जीता है बेटा। अंदर पापा और साथ का फाइटिंग फाइटिंग चल रहा है। पापा उसको छिपके डराने का कोशिश कर रहे थे, बट साथ डरा नहीं है, समझदार हो गया है अब। सर्दी में बेचारी क्या कर रही है, ठंडी में इसको बोलते हैं प्यार। जब इसकी बहन को धोने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो और बनाने में भी इंटरेस्ट कम हो, तब बेचारी छोटी बहन का कष्ट। पानी टच नहीं हो रहा, कैसा लग रहा है छोटी पानी चूके? टंकी में पानी ना दिन का भरा हुआ है, हाय हाय, एकदम बर्फ जैसा लग रहा है ना, जैसे कि बर्फ पिघला के पानी निकाला गया है ना, कुछ उस टाइप का फील हो रहा है ना, ऐसा बस कि बर्फ छुआ जा रहा है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। छोटी बना रही है, अभी बनाने का तैयारी कर रही है, और इधर गाना बजा रही है इसका फिश, और गाना बजा रही है इसका, इसी से काम होता है, इसके बिना इसका काम नहीं चलता है। चलिए अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।